Hello everyone, this is Sudesh and you are here on Arav Education Point. And today in this video we will continue 10th class first flight book 5th lesson the 100 dresses first part. इस कहानी में मेन कैरेक्टर है वांडा पेट्रोंस्की एंड सी वॉज ए पोल गर्ल मीन्स सी बिलोंग्ड टू पोलैंड कंट्री एंड हर फादर इमिग्रेटेड टू अमेरिका फ्रॉम पोलैंड. उसके पापा इमिग्रेट करते हैं अमेरिका पोलैंड से, मीन्स वो पोलैंड को छोड़ करके अमेरिका परमानेंटली सेटल हो जाते हैं और वहाँ पर यूएसए के अंदर पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि ऐसा कहा है जाता है कि अर्ली 20th सेंचुरी में मिलियंस ऑफ पोल माइग्रेट हुए थे यूएसए के अंदर. बिकॉज ऑन दैट टाइम पोलिश स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था यूरोप में, एंड जितने भी इमिग्रेंट्स वहाँ पर सेटल हुए थे उनको उनके बर्थ पैलेस से आइडेंटिफाई किया जाता था, लाइक रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रेलियन पोल्स. एंड अमेरिका का जो शहर शिकागो है उसके अंदर सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी उसे कहा जाता है, मीन्स पोलैंड की जो कैपिटल है वारसा उसके बाद सबसे ज़्यादा पोल्स अमेरिकन सिटी शिकागो के अंदर रहते हैं. एंड इतनी सारी लार्ज स्केल पर पोल पॉपुलेशन होने के बावजूद भी उन लोगों का नेटिव पीपल्स डिस्क्रिमिनेट करते थे, मीन्स उनके साथ भेदभाव करते थे. एंड जैसा कि वहाँ पर दूसरे अदर जो माइग्रेंट्स थे उनके साथ होता था, वैसा ही पोल्स के साथ भी हुआ था. एंड अमेरिका के अंदर दूसरे माइग्रेंट्स भी रहते थे जैसे आयरिश, इटालियंस एंड जूस. एंड 2000 में जब यूएसए की सेंसस हुई थी तब पता चला था कि 667,414 लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर पोल हैं, मीन्स अकेले पोल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले इतने लोग हैं, और वो अमेरिकन पॉपुलेशन का 0.25% था. मीन्स लार्ज स्केल पे पोल वहाँ पर रहते थे, हम यही कहना चाहते हैं. एंड अब हम बात करते हैं अपनी कहानी की, तो वांडा पेट्रोंस्की भी उन्हीं में से उन पोल पॉपुलेशन या फिर पोल पीपल्स में से एक थी जो अमेरिका में सेटल हुई थी, और वहाँ पर उसको अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ स्कूल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इन्हीं प्रॉब्लम्स को राइटर ने हमारे साथ शेयर किया है. लेट्स प्रोसीड इन द स्टोरी. हियर राइटर टेल्स अस दैट टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट, कि आज मंडे है और वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पर नहीं है. हम पहले बता चुके हैं कि इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर वांडा पेट्रोंस्की है. सो वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पर नहीं है, बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर अब्सेंस, कि स्कूल के अंदर किसी ने भी नहीं, इवन पैगी और मैडलिन ने भी नहीं उसकी अब्सेंस को नोटिस किया. मीन्स किसी को कुछ पता नहीं था, या यूं कहें कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पर नहीं थी. एंड यूजुअली वांडा जो है रूम नंबर 13 में जो लास्ट रो थी उसकी लास्ट सीट से पहले वाली सीट पर बैठा करती थी. वहाँ पर सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो उस रूम के कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पर रफ बॉयज़ बैठते थे जिनके अच्छे नंबर नहीं आते थे और जो जर्नलिस्ट कक्षा में सबसे ज़्यादा शोर भी करते थे. एंड वांडा डिड नॉट सीट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नोइजी. वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ थी या फिर नोइजी थी, मीन्स वो पढ़ने में भी अच्छी थी और वो बहुत ही काम नेचर की थी, जबकि सी वॉज क्वाइट एंड रेयरली सेड एनी थिंग एट ऑल. वो बहुत ही शांत थी और बहुत ही कम बोलती थी. इवन किसी ने भी स्कूल में उसको कभी हंसते हुए नहीं सुना था. इसके बाद राइटर कहते हैं कि नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सेट इन दैट सीट, कि वास्तव में कोई नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पे क्यों बैठती थी. हालांकि वो पढ़ने में भी अच्छी थी और ज़्यादा नोइजी भी नहीं थी, फिर भी वो वहाँ बैठती थी, तो इस बारे में क्लास में किसी को कोई पता नहीं था कि वो वहाँ क्यों बैठती थी. राइटर बताते हैं कि वांडा बोगिन हाइट्स ये जगह का नाम है जहाँ वांडा रहती थी, वहाँ से आती थी और उस जहाँ से इस जिस एरिया में वो रहती थी उस एरिया का जो रास्ता था वो काफ़ी मडी था, मीन्स वहाँ पर ज़्यादा धूल मिट्टी थी, और स्कूल से घर या घर से स्कूल आते आते उसके जो फीट थे वो मड से सन जाया करते थे, मीन्स
उन पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती थी और वांडा पेट्रोंस्की नहीं चाहती थी कि उसकी पैरों पे लगी हुई धूल किसी को नज़र आए, एंड दैट्स वाई वो वहाँ पर उस लास्ट वाली कॉर्नर वाली सीट पर बैठती थी। अब राइटर बताते हैं कि द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल आ इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, कि जनरली बच्चे जब वांडा के बारे में सोचते थे तो वो समय होता था जब वो स्कूल से का जो समय होता था उससे पहले का या फिर स्कूल से छुट्टी होने के बाद का समय होता था, उस वक्त वो वांडा के बारे में सोचते थे। और जनरली वो इसीलिए सोचते थे कि दो या तीन या चार पांच लड़कियों का ग्रुप वहाँ पर इकट्ठा होता था और वो उसके बारे में बातें करते थे और उसके बारे में बातें करके हंसते थे। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे भी यानी ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल नहीं आती है और किसी ने नोटिस नहीं किया कि वाई सी वॉज एब्सेंट टूडे, एंड ऐसे ही वेनेसडे को भी वांडा स्कूल में नहीं आती है। बट आज मैगी और पैडी दोनों ही वांडा का स्कूल के बाहर वेट कर रही थी बिकॉज दे वांट टू हैव सम फन विद हर एंड सी हैड नॉट कम। वो इसलिए वेट कर रही थी वहाँ पर क्योंकि वो उसके साथ मजाक करना चाहती थी और वो वहाँ पर नहीं आई, मींस वांडा नहीं आई थी और उसके वेट करने के कारण वो दोनों ही स्कूल में लेट हो जाते हैं। इसलिए वो आज सोच रही हैं कि वांडा पेट्रोंस्की स्कूल में क्यों नहीं आई। आगे राइटर बताते हैं कि वांडा पेट्रोंस्की रूम नंबर 13 में उसका जो नाम था उसका अकेली का ही ऐसा नाम था। जनरली उस क्लास के अंदर जो बच्चे थे उनका नाम बहुत ही सिंपल था, मींस इजी था बोलने में, जैसे कि थॉम्स, स्मिथ, एलन, एंड दैट्स व्हाई हमेशा ही बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे उसके नाम को लेकर के, क्योंकि उन सभी बच्चों को उसका नाम काफ़ी फनी नज़र आता था बिकॉज उनको लगता था कि पेट्रोंस्की इज़ वेरी इज टू लॉन्ग नेम, एंड उसका नाम उन्हें इसलिए अजीब लगता था क्योंकि वो उस कम्युनिटी की नहीं थी, उसके पेरेंट्स पोलैंड से आकर के वहाँ पर रह रहे होते हैं तो उसका जो नाम था वो पोलैंड पोल सोसाइटी के अकॉर्डिंग था एंड जो इंग्लिश सोसाइटी वहाँ पर थी उनके जैसा नहीं था। एंड वांडा की कोई फ्रेंड भी नहीं थी इसलिए वो हमेशा ही स्कूल से घर और घर से स्कूल हमेशा अकेले आते जाती थी और हमेशा ही वो एक ब्लू कलर की ड्रेस में स्कूल आती थी जो कि बहुत साफ सुंदर होती थी बट प्रॉपरली आयरन नहीं होती थी। क्या होता है कि स्कूल के अंदर जब भी जो रिसेस टाइम होता है तो वांडा स्कूल के ग्राउंड में खड़ी होकर छोटी लड़कियां होप्स कुछ एक गेम है उसको खेल रही होती थी तो उनको देखती थी। उस दौरान स्कूल की दूसरी लड़कियां उसके आसपास आती थी और उसका मजाक उड़ाती थी, जबकि वांडा को ये बातें क्लियर थी कि वो उसका मजाक उड़ाती हैं बट दूसरी लड़कियों को नहीं लगता था कि वांडा को उसकी बातें उन सब की बातें समझ आ रही हैं। जनरली उन सब में पैगी थी जो उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती थी। पैगी उससे पूछती थी कि हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट, कि बताओ वांडा तुम्हारी अलमारी में कितनी वर्दियाँ टंगी हुई हैं। एट दिस वांडा हमेशा ही रिप्लाई करती थी कि आई हैव 100 ड्रेसेस, कि मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं एंड ऑल दीज आर लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और सारी की सारी मेरी क्लोसेट के अंदर टंगी हुई हैं। एट दिस पैगी उससे पूछती थी कि व्हाट आर दे लाइक, आई थिंक ऑल सिल्क, कि वो कहती थी कि वो सब कैसी दिखती हैं, मुझे लगता है वो सारी सिल्क की होंगी। एट दिस वांडा रिप्लाई करती थी या ऑल सिल्क एंड ऑल कलर्स, कि सारी की सारी सिल्क की हैं और सभी कलर्स में हैं। उसके बाद सारी लड़कियां उसके ऊपर दबी हुई हंसती थी, मींस ज़्यादा उसको दिखाती नहीं थी बट नीचे नीचे वो हंसती रहती थी। एंड नाउ पैगी फिर पूछती थी कि हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, कि तुम्हारे पास कितनी शूज हैं। एट दिस वांडा रिप्लाई करती थी आई हैव 60 पेयर्स एंड ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, के सारे मेरी क्लोसेट में यानी मेरी अलमीरा में लाइन में लगे हुए हैं। अब जो है सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंसती थी, मींस उनको लगता था कि वांडा झूठ बोल रही है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे राइटर कहते हैं कि पैगी ये गेम जो पूछने वाला कि कितनी तुम्हारे पास ड्रेसेज हैं, कितनी जो है शूज हैं, कितने हैट हैं, ये मैडी जो उसकी फ्रेंड थी पैगी की उसको अच्छा नहीं लगता था।
अब वो कहते हैं कि मैडी पैगी की अच्छी दोस्त थी, बट इसलिए वो उसके साथ हमेशा रहती थी, बट वो वांडा का मजाक नहीं उड़ाती थी, बल्कि वो इस बात को पसंद नहीं करती थी कि पैगी उसका मजाक उड़ाए। इवन पैगी वॉज रिच बट सी वॉज नॉट एरोगेंट। वो बुरी लड़की नहीं थी, क्योंकि वो स्कूल के अंदर छोटे बच्चों को या यूँ कहीं छोटी लड़कियों को, जो बुलीज गर्ल्स होती थी, उनसे प्रोटेक्ट करती थी। बुलीज गर्ल्स मीन्स जो थोड़ा सा धौंस जमाने वाली लड़कियाँ होती थी उनसे। बट सी एंड अदर गर्ल्स कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई वांडा टोल्ड अ लाई अबाउट हर ड्रेसिज एंड शूज। बट ना तो वो ना ही दूसरी लड़कियाँ ये बात समझ पाई कि वांडा अपनी ड्रेसिज और शूज़ के बारे में झूठ क्यों बोलती हैं। वो उसका मजाक तो उड़ाती थी बट उसे रुलाती नहीं थी। एंड मैडी हरसेल्फ वाज ए पुअर गर्ल। मैडी खुद एक पुअर लड़की थी, वो खुद दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती थी, इसी वजह से वो वांडा से सिंपथी रखती थी। बट पैगी एंड मैडी वर फास्ट फ्रेंड, वो दोनों अच्छी मित्र थी, एंड दैट्स वाई सी नेवर सेड एनीथिंग व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वांडा। जब भी पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी वो कभी कुछ नहीं बोलती थी, बट वो कभी हंसती नहीं थी वांडा के ऊपर। एंड वो नहीं पसंद करती थी पैगी का वांडा से उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछना, उसकी शूज़ के बारे में पूछना। इवन वो चाहती थी कि पैगी इस गेम को बंद कर दे, क्योंकि उसे बुरा फील होता था जब भी वो वांडा का मजाक उड़ाती थी। एक दिन मैडी डिसाइड करती है कि मैं कभी भी उसको सामने से ये बात नहीं बोल पाऊँगी कि उसको वांडा के साथ जो गेम वो खेलती है उसे बंद कर दे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक नोट लिखेगी जिसमें पैगी को कहेगी कि प्लीज़ स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा, कि वो वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। एंड पैगी अब सोचती है कि वांडा स्कूल क्यों नहीं आई, और उसे याद आता है वांडा ने एक बार एक ड्रेस के बारे में बताया था जो पेल ब्लू कलर की थी और जिसके ऊपर कलर्ड ट्रिमिंग की हुई थी। इसके साथ ही अब मैडी सोचती है उस कंटेस्ट के बारे में जो ड्राइंग एंड कलर कंटेस्ट है और स्कूल में हुआ था, और वो जिसके अंदर गर्ल्स को डिजाइन करना था ड्रेसेस एंड बॉयज़ को डिजाइन करना था मोटर बोट्स। एंड मैडी को लगता है कि गर्ल्स में ये कंटेस्ट केवल पैगी ही जीतेगी, क्योंकि उसकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी थी। अगले दिन हल्की फुल्की बारिश हो रही होती है। पैगी और मैडी आज फिर वांडा का वेट नहीं करती हैं, क्योंकि आज वो बहुत ही जल्दबाजी में हैं और उन्हें लगता है कि आज उनके कंटेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होना है। रास्ते में पैगी मैडी से पूछती है कि तुम्हें लगता है कि मिस मैसन आज उस कंटेस्ट का रिजल्ट अनाउंस करेगी? एट दिस मैडी कहती है येस ऑफ कोर्स, एंड उसे वो कहती है कि आई थिंक यू विल विन पैग, कि मुझे लगता है कि तुम ही वो कंटेस्ट जीतोगी। एट दिस पैगी ईगरली कहती है होप सो, आशा तो ऐसी ही है, मैं मीन्स उसे भी लगता है कि मैं ही जीतूंगी। अब ये बातें करते करते दोनों बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो स्कूल में एंट्री करते हैं तो वो वहाँ पर जो ड्राइंग कंटेस्ट के अंदर जो डिजाइन आए हुए थे उनको देख करके काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि रूम की हर कॉर्नर में विंडो सील पे अलग अलग डेजलिंग कलर्स मीन्स आकर्षक कलर, ब्रिलियंट एंड लेविस डिजाइन रखे हुए थे, और उन सबको देख करके वो काफ़ी हैरान होती हैं, और ऐसा लगता है कि वो ड्रेसेज लाइन में लगी हुई हैं और सारी की सारी 100 ड्रेसेज हैं, ऐसा उन्हें देखकर लग रहा था, और सभी के सभी हैरान होते हैं उन सबको देख करके। अभी मिस मैसन आती है और उस कंटेस्ट का रिजल्ट अनाउंस करती है, एंड वो कहती है जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़ में इस कंटेस्ट को जैक बैगल्स ने जीता है। एंड सी सेड दैट ऑल द 100 डिजाइंस ऑफ ड्रेसेस हैड बीन मेड बाय वन गर्ल एंड सी हैड वन द मेडल। ये जितने भी डिजाइन मीन्स ये जो 100 डिजाइंस लगे हुए हैं ये एक ही लड़की ने बनाए हैं, और उसी लड़की ने इस मेडल को यानी इस कंटेस्ट को जीता है। एंड हर नेम वॉज पांडा पेट्रोन्स्की, और उसका नाम था वांडा पेट्रोन्स्की। बट वांडा स्कूल से अब्सेंट थी, एंड चिल्ड्रन क्लैप्ड देयर हैंड्स इन जॉय। बच्चे उसकी इस रिजल्ट की खुशी में उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। एंड पैडी आस्क्ड
पैगी सॉरी मैडी आस्ट पैगी टू लुक एट द ब्लू ड्रेस अबाउट विच वांडा हैड टोल्ड देम अर्लियर, कि उस ब्लू ड्रेस को देखो जिसके बारे में वांडा ने हमें पहले बता दिया था। एंड दोनों ही लड़कियां उसके द्वारा बनाई हुई ड्राइंग्स को अप्रिशिएट करती हैं, इवन पूरे स्कूल में उसके बनाई हुई ड्राइंग्स को अप्रिशिएट किया जाता है। इसके साथ ही ये इस लेसन में इस स्टोरी को यहीं तक रखा है और हमें पता चला है कि वांडा पेट्रोंस्की, जिसको सभी रफ गर्ल्स मानते थे, मींस किसी को नहीं लगता था स्कूल में कि वो एक टैलेंटेड लड़की होगी, एट लास्ट सभी को जानकर के हैरानी हुई कि एक ऐसी लड़की जिसको वो आज तक बुद्धू मानते रहे, वो इतनी टैलेंटेड है कि उसने इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन ड्राइंग्स बनाई हैं एंड उसी ने इस स्कूल के कंटेस्ट को विन किया है। सो ये एक बहुत ही हैरानी भरा सब्जेक्ट था सभी स्कूल के लिए, स्कूल में सभी के लिए। लेट्स सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेसन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई। क्लास में वांडा कहाँ बैठती थी और वहाँ पर क्यों बैठती थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। किस तरीके से वांडा दूसरे बच्चों से अलग थी। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द ड्राइंग कंटेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन। जो ड्राइंग कंटेस्ट हुआ था उसको किसने जीता था और उस विजेता ने क्या बनाया था उस कंटेस्ट में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज मैडी, मैडी कौन थी। एंड आवर नेक्स्ट इज हाउ कैन यू से दैट पैगी वाज ए सॉफ्ट गर्ल। आप कैसे कह सकते हैं कि पैगी एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी। एंड नेक्स्ट वन इज मैडी रोट ए नोट फॉर पैगी बट सी टोर इट अवे, व्हाई। मैडी ने पैगी के लिए एक नोट लिखा था परंतु उसने उसे फाड़ दिया, क्यों। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट डज दिस स्टोरी टेल अस अबाउट वांडा पेट्रोंस्की। ये कहानी हमें वांडा पेट्रोंस्की के बारे में क्या बताती है। एंड नेक्स्ट वन इज हु वर पैगी एंड मैडी, हाउ डिड दे एंड अदर गर्ल्स मेक फन ऑफ वांडा। पैगी और मैडी कौन थी, वो और दूसरी लड़कियां वांडा का मजाक कैसे उड़ाती थी। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू नो अबाउट मैडी, कि मैडी के बारे में आप क्या जानते हैं। एंड विथ दिस वीडियो एंड्स हियर। If you enjoy this video, then please don't forget to subscribe the channel and share this with your friend and please hit the like button.